महत्तम समापवर्तक मसप और लघुत्तम समापवर्तक लसप, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एससीएफ एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, पार्ट वन। ये जानने से पहले शुरू करते हैं, अपवर्तक क्या होता है यानी कि फैक्टर। उदाहरण तौर पे देखें, यदि हमारे पास संख्या, थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं, 8, तो 8 का फैक्टर मतलब 8 किस किस संख्या से विभाजित होगा, इसे हम डिविजर भी कहते हैं। यानी कि 8 किस किस संख्या से विभाजित होगा, वह 8 का अपवर्तक होगा। 8 किससे किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा और 8 से विभाजित होगा। यानी कि 8 के अपवर्तक क्या क्या हो गए, 2, 4 और 8। इस तरह और एक संख्या ले, अगर 16 ले ले तो 16 का अपवर्तक क्या क्या होगा, 2, 4, 8 और 16। हमें समझ में आ गया अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक वह संख्या जो दिए गए संख्या को पूरी तरह विभाजित कर ले, उसे उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। यानी कि 8 का अपवर्तक क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ठीक है, अब आगे जाते हैं। अब आता है समापवर्तक। तो अपवर्तक पता चल गया, समापवर्तक क्या होता है, यदि दो संख्या दिया गया है 8 और 16, 8 के अपवर्तक क्या क्या है, 2, 4, 8 और बस 8। 16 के अपवर्तक क्या क्या है, 2, 4, 8 और 16। तो इन दोनों के समापवर्तक क्या हो जाएंगे, मतलब दो संख्याओं का अपवर्तक जो समान हो, उसे हम लोग दो या दो से अधिक, यानी एक और संख्या ले लेते हैं यहाँ पे हम 24। 24 किससे किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। तीन संख्या हो गए, 24 का अपवर्तक क्या क्या हो गया, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 16 का अपवर्तक क्या क्या हो गया, 2, 4, 8 और 16। 8 के अपवर्तक क्या क्या हो गया, 2, 4 और 8। अगर समापवर्तक बोले तो हम देखेंगे इन तीनों में कौन कौन सा समान है अपवर्तक। तो तीनों का अपवर्तक समापवर्तक क्या क्या हो जाएगा, 2, 4 और 8। तो तीनों के समापवर्तक क्या हो गए, 2, 4, 8। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब आता है बारी महत्तम समापवर्तक का। तो हम उदाहरण क्या था हमारा, 8, 16 और 24। तो 8 के अपवर्तक क्या क्या थे, 2, 4, 8। 16 के अपवर्तक 2, 4, 8 और 16। 24 के अपवर्तक 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसके हमें जानना पड़ेगा इसके समापवर्तक कौन कौन से हैं। समापवर्तक कौन कौन से हैं, 2, 4 और 8। समापवर्तक पता चल गया, तब अब बोला है महत्तम, मतलब इन सब में सबसे बड़ा कौन है, वही हो जाएगा हमारा महत्तम समापवर्तक यानी कि मस। तीन सब में बड़ा कौन है, 8। तो 8, 16 और 24 का मसप क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, मसप समझ में आ गया। अब हम लसप की तरफ बढ़ते हैं।
लसा पर जानने से पहले अपर्त्य के बारे में जानना पड़ेगा। ये मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब होता है पहाड़ा। जैसे दो का मल्टीपल क्या क्या होगा, मतलब दो का पहाड़ा, मतलब दो चार आठ छ ने लिखा ना, चलो इसे भी लिख देते हैं, दो चार छ आठ दस बारह, इस तरह बढ़ता जाए। चार का अपर्थ क्या क्या हो जाएगा, चार आठ बारह सोलह बीस, इस तरह बढ़ता जाएगा। ठीक है, आठ का अपर्थ क्या क्या होगा, आठ सोलह चौबीस बत्तीस, इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अपर्थ समझ में आ गया। अपर्थ मतलब होता है पहाड़ा। अब आता है समापवर्त्य। समापवर्त्य मतलब दो या दो संख्या का अपर्थ जो बराबर हो। तो हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, दो चार आठ, दो का क्या होगा, दो चार छ आठ दस सोलह अठारह बीस और आगे तक जाएगा, ठीक है, बाईस चौबीस ऐसे लिख सकते हैं। तो हम बीस तक लेते हैं। चार का छत्तीस और भी जाएगा, हम यहीं तक लेते हैं। और आठ का इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो इन सब में समान कौन कौन सा है उसको लिखेंगे। तो दो चार आठ में समान कौन कौन सा है, चार, चार इसमें नहीं है, चार को नहीं लेंगे। सबसे पहला समान होगा आठ, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर क्या आएगा, सोलह सोलह सोलह, इसके बाद और भी आएगा लेकिन हम यही दो को ही ले रहे हैं अभी, इसके बाद और आगे जा सकता है। तो क्या क्या समापवर्त्यक हो गए, समापवर्त्य क्या क्या हो गए, आठ और सोलह, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा, चौबीस आएगा बत्तीस आएगा चालीस आएगा, ये सब समापवर्त्य आएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब बढ़ जाता है लघुतम समापवर्त्यक। तो लघुतम समापवर्त्य निकालने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, समापवर्त्य। तो मैं यहाँ दो चार आठ का समापवर्त्य फिर से अपवर्त्य लिखते हैं, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस, चार का लिखते हैं आठ का लिखते हैं, बस इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें समापवर्त्य कौन कौन सा है, आठ सोलह फिर और आगे जाए अगर इसे बाईस और चौबीस, मतलब चौबीस तीन ठो ले लेते हैं। तो ये हो गए हमारे समापवर्त्य। तब बारी आता है लघुतम समापवर्त्य की। तो सबसे छोटा कौन सा है, आठ। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, आठ। यानी कि दो चार आठ का लघुतम समापवर्त्य क्या होगा, आठ। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लघुतम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य निकालने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।